सत श्री अकाल स्पीड न्यूज देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज दे विच। श्रोमणी अकाली दल ते भाजपा के गठजोड़ के चर्चे तेज हो गए ने। चर्चा विचाले बीजेपी आगू मनजिंदर सिरसा का बयान सामने आया, जिन्हें कहा कि असी सारिया 13 लोग सभा सीटा से तैयारी कर रहे। उन्हें कहा कि पंजाबियत को समझने वाले सारे बड़े लीडर सारे उन्होंने नाल। उन्हें कहा कि गठजोड़ के भाईवाल कैप्टन साहब से ढींडसा साहब। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खिलाफ एक अदालत में पटीशन दाखिल की गई, जिस उन्होंने अपने भरा नवाज शरीफ के ब्रिटेन च इलाज कराने तो बाद वापस परतन बारे अदालत में झूठा वादा करने योग करार देने की बेनती की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने सुनवाई अनमिथे समय लिए मुलतवी कर दी है। कहा कि यह पटीशन उदो दायर की जानी चाहिए जो शहबाज शरीफ पिछली सरकार के कार्यकाल दौरान अपना वादा पूरा करने असफल रहे। महाराष्ट्र की सियासत में भीष्म पितामा का दर्जा रखने वाले शरद पवार शायद अपनी सियासी पारी के सब तो औखे दौर चो लंघ रहे हैं। उन्होंने एनसीपी के प्रधान के अहुदे तो भी बेदखल कर दिया गया। भतीजे अजीत ने प्रधानगी संभाल ली। इस संबंधी चोन कमिश्नर सूचित किया गया। शक्ति प्रदर्शन च अजीत पवार 53 विचों 35 विधायक नजर आए। दूजे पास शरद पवार की अगुवाई में हुई मीटिंग च कुल 13 विधायक शामिल ने। दक्षिणी अफ्रीकी शहर बॉक्सबर्ग में एक सिलेंडर विचों जहरीली गैस लीक होने कारण 3 बच्चों समेत घट्टो घट 16 लोगों की मौत हो गई है। दक्षिणी अफ्रीकी पुलिस ने यह जानकारी दी है। एमरजेंसी सेवाओं मुताबिक घट्टो घट 24 लोगों की मौत का खदशा। अज तक यह स्पष्ट नहीं होया कि पुलिस और एमरजेंसी सेवाओं वालों दसी गई मौत की गिनती में अंतर क्यों है। एमरजेंसी सेवाओं के बुलारे ने दसिया कि एंजलो बस्ती एक झोंपड़ी च रखे गैस सिलेंडर विचों गैस लीक होने कारण यह हादसा वापरिया। हुण गैस लीक होनी बंद हो गई है। बचाव कर्मचारी मौके पर जख्मियों की भाल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार सिद्धी पेशाब कांड मामले में डैमेज कंट्रोल जुट गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने पीड़ित आदिवासी दशमत रावत नाल सीएम निवास से मुलाकात की। उसनु भोपाल बुलाया गया। शिवराज ने उसके पैर धोते टिक्का लगाया ते शॉल दे के सम्मानित किया। सीएम ने घटना को लेकर दुख जताया ते माफी मंगी है। सीएम शिवराज ने पीड़ित व्यक्ति को गणेश जी की मूर्ति भेंट की। पटियाला शहर के बी टैंक मोहल्ला विखे एक 18 साल बच्चे की शक्की हालात में एक स्टोर च गल चुन्नी लिपटन नाल मौत हो गई है। बच्चे की पछाण करण यादव के रूप में हुई है, जो कि चौथी जमात च पढ़ता सी। जानकारी मुताबिक बच्चा वीडियो गेम वेखता होया स्टोर वाल चलिया गया, जिस कारण परिवार ने काफी देर इस गल लैके गौर नहीं की। पर जदों वापस ना आया तो जाके वेख्या कि बच्चे की लाश लटकी हुई सी। उसनु उतार के परिवार वाले हस्पताल लै गए, जिथे डाक्टरों ने उसनु मृतक ऐलान दिया। भाजपा वालों नामयुक्त किए गए सूबा प्रधान सुनील जाखड़ सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होने लिए पहुंचे। उन्होंने वालों गुरुघर में मत्था टेकदिया पार्टी की चढ़ती कला लिए अरदास की गई। इस मौके सुनील जाखड़ का कहना है कि सियासी गलों का जवाब सियासी मंच से दिया जाएगा, क्योंकि गुरु घर सियासत करनी शोभा नहीं दिंदी। इस दौरान गुरुद्वारा कमेटी वालों सुनील जाखड़ को सम्मानित भी किया गया। अमृतसर जंडियाला मुख मार्ग से पुलिस के गैंगस्टरों विचकार हुए मुकाबले दौरान पुलिस ने बदनाम गैंगस्टर अर्शदीप उसके साथी मनदीप सिंह उर्फ बुद्धू समेत काबू किए। गोलीबारी दौरान गैंगस्टर अर्शदीप की लत में गोली लगी। सीआईए स्टाफ का ड्राइवर बाल बाल बच गया। ऑपरेशन लीड कर रहे इंस्पैक्टर इंद्रजीत सिंह ने गैंगस्टर को जख्मी हाल से काबू करके इलाज लिए गुरु नानक देव हस्पताल भर्ती करवाया। अर्शदीप होर कई नहीं सगो भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चे के जनरल सकत्र बलविंदर सिंह गिल से गोली चलाने वाला अपराधी सी, जिसनों पुलिस लभ रही थी। मध्य प्रदेश के सिद्धी तो एक वीडियो सामने आया है, जिस विच प्रवेश शुक्ला नाम के व्यक्ति एक आदिवासी व्यक्ति के चेहरे से पेशाब करता नजर आ रहा है। इस घटना पिछों प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर से बुलडोजर चला के नजायज उसारी हटा दिया गया। घर के सामने बुलडोजर वेख के मुलजम की मां से चाची बेहोश हो गई। मुलजम की मां ने रोंद हुए कहा कि जे बेटे ने गलत काम किया तो उसनु सजा दो, पर मेरा घर ना टाओ। मणिपुर सरकार ने सूबे इंटरनेट सेवाओं से पाबंदी को बढ़ा दिया है। हिंसा प्रभावित तो उत्तर पूर्वी राज मणिपुर च अगले 5 दिनों तक इंटरनेट सेवाओं मुअत्तल रहनगियां। मणिपुर सरकार ने सूबे में इंटरनेट सेवाओं की मुअत्तली 10 जुलाई तक बढ़ाया। 3 मई ने मणिपुर सरकार ने सब तो पहला मणिपुर च ब्रॉडबैंड समेत इंटरनेट सेवाओं को मुअत्तल किया। इस तो पहला मणिपुर हाई कोर्ट ने सूबे की बीरेन सिंह की अगुवाई वाली भाजपा सरकार को हिंसा प्रभावित राज में अंशक तौर पर इंटरनेट सेवा बहाल करने का निर्देश दिया। आस्ट्रेलिया 21 साल भारतीय विद्यार्थन का 2021 कतल कर दिया गया, जिसनों उसके साबका बॉयफ्रेंड ने बदले की कार्रवाई तहत जिंदा दफना दिया। इस मामले सामने आए नवे वेरवे अनुसार यह खुलासा है। अदालत ने दोषी सजा सुनाई है। जैसमिन कौर का 23 साल के तारिकजोत सिंह ने 2021 उत्तरी पार्लिमटन में उसके काम वाली थां तो पिछा किते उसनों अगवा कर लिया। फिर उसनों फ्लिंडर्स रेंज में लाया गया, जिथे उसका बेरहमी नाल कतल किया गया। जिंदा होने के बावजूद एक खोखली कबर में दफना दिया गया। ई लाइव परफॉर्मेंस और कई हिट नंबर देने वाली मशहूर गायिका कोकोली इस दुनिया में नहीं रही। दसिया जा रहा है कि 48 साल की उम्र च कोकोली ने इस फानी संसार को अलविदा आख दिता है। इस खबर ने सारे हिला के रख दिया है। रिपोर्ट मुताबिक कोकोली लंबे समय तो डिप्रैशन तो पीड़ित थी। खबरों मुताबिक कोकोली ने डिप्रैशन कारण खुदकुशी करने की कोशिश की, जिस तो बाद उसे हस्पताल भर्ती करवाया गया, पर उसे बचाया नहीं जा सकता। उसकी मौत हो गई।
बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई। उसनू ठगी के दोषी सुकेश चंद्र शेखर के 200 करोड़ के उगाही मामले पेश होने का हुक्म जारी होया। सुकेश से संबंधित मनी लॉन्डरिंग मामले जैकलीन का नाम आया, उदों तो वह जांच एजेंसियों के रडार से है। इस तो पहला भी जैकलीन मनी लॉन्डरिंग पटियाला हाउस कोर्ट च कई बार पेश हुई है। सुकेश चंद्र शेखर बॉलीवुड इंडस्ट्री च वड्डी-वड्डी अभिनेत्रियों महंगे तोहफे देने लई जाणिया जांदा है। पंजाब के गैंगस्टर करमवीर सिंह की कनेडा च गोली मार के हत्या कर दी गई है। घटना देर रात 9:20 से वरती है। करमवीर सिंह 25 कई अपराधिक वारदातों शामिल से ब्रिटिश कोलंबिया सूबे की पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस वालों मामले की जांच की गई है। जानकारी मुताबिक कार तो हेठा उतरती अणपछाते मुलजमान वालों करमवीर सिंह से गोलियां चला दी गई। ब्यास दरिया च पानी का पद्धर वधन नाल किसानों के सांस सुक गए ने। किसानों की जमीन पानी नाल बर्बाद हो गई। किसानों वालों बीजे गए झोना नुकसान है। किसानों का कहना है कि उन्होंने वालों आरजी पुल बनाए गए पर वह भी पानी नाल टुट गए। किसानों का यह भी कहना है कि यह बन पक्के किए जाने उन्होंने नुकसानी गई फसलों का मुआवजा दिया जाए। फिलहाल स्पीड न्यूज़ में बस इतना ही। मैनूं दिओ इजाजत। धन्यवाद।